साडे यूट्यूब चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स विच तुहाडा स्वागत है। जेकर तुसी अजे तक साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके इसनूं सबसक्राइब जरूर करो। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर, अज असी विशा कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं पार्ट 4 ऑपरेटर्स अते एक्सप्रैशन विच इस पाठ दे प्रश्न उत्तर पढ़ांगे। यह पाठ शुरू करन तों पहलां तुहानूं मैं ऑपरेटर्स अते ऑपरेंड्स बारे कुछ दसना चाहवांगा, क्योंकि यह दो टर्म्स ने जिहड़ियां इस चैप्टर विच यूज होन गया ने, एक ऑपरेटर ते एक ऑपरेंड। जिदा मान लो मैं एक एक्सप्रैशन लिया है सी बराबर ए जमा बी सैमीकोलन, हुण इहदे विच ऑपरेटर किहड़े ने ते ऑपरेंड किहड़े ने उह तुहानूं दसांगा। इत्थे बराबर दा चिन्ह प्लस अते सैमीकोलन यह की ने ऑपरेटर। जिहड़ा बराबर चिन्ह है वह राइट वाली वैल्यू लैफ्ट वाले वेरीएबल च लैके आ रहा है, तो जिहड़ा प्लस ऑपरेटर है दोनों नूं प्लस कर रहे हैं, तो सैमीकोलन का मतलब होंदा किसी स्टेटमेंट नूं टर्मीनेट करना। तो फिर ऑपरेंड कड़े हुए ओपरेंड हुए सी ए ते बी, हुण तुहानूं पता लग गया होना है कि जिहड़े सिंबल हैगे ने ओह ऑपरेटर ने ते जिहड़े असी लैटर यूज किते ने ओह की ने तुहाडे ओपरेंड, मीनस अल्फाबेट की ने ओपरेंड। हुण असीं देखते हाँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है मोडुलस ऑपरेटर किथे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अर्थमैटिक ऑपरेटर है, जिहड़ा मोडुलस ऑपरेटर है अर्थमैटिक ऑपरेटर है, इसके लिए परसेंटेज चिन्ह की वरतों होंदी है। यह ऑपरेटर दो इंटीजर नंबरों नूं भाग करन तों बाद रिमाइंडर दसता है। इंटीजर नंबरों बारे तुहानूं दस चुके हाँ, इंटीजर नंबर वह होंदे ने जिन्हां विच डेसिमल पॉइंट की वरतों नहीं होंदी, दशमलव की वरतों नहीं होंदी, ते इह की करदा है रिमाइंडर, यह दो नंबरों नूं भाग करेगा, उस तो बाद रिमाइंडर जिन्हों असी पंजाबी च बाकी बोलते हाँ ते हिंदी विच शेष बोलते हाँ वह कटेगा। इस ऑपरेटर नूं फ्लोट नंबर ते लागू नहीं किया जा सकता। जिहड़ा तुहाडा मोडुलस ऑपरेटर है यह सिर्फ इंटीजर नंबर ते काम करता है, जेकर असी फ्लोट नंबर लवेंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। उदाहरण वजो जिदा मैं किया इतने ए की वैल्यू 10 ली है, बी की 3 ली है, तो एक सी वेरीएबल लिया है। इतने मैं लिखा सी बराबर ए मोडुलस बी, आंसर आएगा एक। क्यों? क्योंकि जो 10 नूं 3 नाल भाग करांगे तो नीचे जिहड़ा शेष है बाकी है जो रिमाइंडर है वह कितना बचेगा 1। हुण असीं मोडुलस ऑपरेटर नूं एक प्रोग्राम की मदद नाल समझते हाँ। इतने मैं कमेंट लाइन च लिखा है प्रोग्राम टू प्रिंट रिमाइंडर ऑफ टू नंबरस, एक कमेंट लाइन है। इस तो बाद असीं दो हैडर फाइल लईआं ने, जिदा पिछे असीं बाकी प्रोग्राम च लईआं सी स्टडी डॉट एच ते कोनी डॉट एच। वर्ड मेन यह सी प्रोग्राम का अजिहा फंक्शन है जिहदे नाल सी भाषा के प्रोग्राम की शुरुआत होंदी है। अगे मैं करली ब्रिसिस फंक्शन की बॉडी शुरू करने लई है। इंट ए बी सी तीन वेरीएबल मैं इंटीजर टाइप के डिकलेयर किए हैं, तो इतने याद रखना कि जो असी मोडुलस ऑपरेटर यूज करना तो असी इंटीजर वेरीएबल लेने हैं, ये फ्लोट वेरीएबल नहीं लै सकते क्योंकि जो मोडुलस ऑपरेटर है यह फ्लोट नंबर से काम नहीं करता। अगे असी क्लेयर स्क्रीन फंक्शन लिया, इतने मैं दो वेरीएबल लिए हैं ए तो बी, ए की वैल्यू 10 ली है, बी की 3 ली है, इतने सी इज इक्वल टू ए मोडुलस बी लिया। यह मतलब है कि दोनों का रिमाइंडर करके जो आंसर सी आएगा, तो असं प्रिंट एफ के इतने आपको वेरीएबल यूज करा सी, सी बराबर परसेंटेज डी लिया है, परसेंटेज डी जी है एक कंट्रोल स्ट्रिंग होंगी है इंटीजर की, तो गैट सी एच प्रोग्राम के लास्ट तुम्हें आता दस दस चुके हैं कि जो प्रोग्राम की आउटपुट असी स्टिल करनी हो उस टाइम से असं गैट सी फंक्शन यूज करते हैं, तो लास्ट करली ब्रेसिस फंक्शन का एंड करने लई। जो असं इस प्रोग्राम को आल्ट एफ नाइन नाल कंपाइल तो कंट्रोल एफ नाइन रन करांगे तो सी च आंसर आएगा 1। सी च आंसर 1 क्यों आया? क्यों? क्योंकि जो असं 10 नूं 3 नाल डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर कितना बचता है 1, इस करके आंसर कितना है 1। इस प्रोग्राम तुसी ट्राई करके जरूर देखना है, तो जेकर तुहानूं कोई प्रॉब्लम आती है या क्वेरी है तुसी कमेंट सैक्शन च पुछ सकते हो या अपने टीचर की मदद लै सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है लॉजिकल अते रिलेशनल ऑपरेटर विच अंतर पता करो, मीनस कि लॉजिकल अते रिलेशनल ऑपरेटर विच की डिफरेंस है। लॉजिकल अते रिलेशनल ऑपरेटर बारे तुहानूं दसना चाहांगा कि इहनां दी वरतों डिसीजन मेकिंग ऑपरेशनस लई कीती जांदी है। डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन वह होंदे ने जिन्हां दा आंसर सही जां गलत आंदा है, सही उत्तर 1 नाल अते गलत उत्तर 0 नाल परिभाषित होंदा है। हुण असीं दोनों का अंतर देखते हाँ। लैफ्ट साइड से मैं लॉजिकल ऑपरेटर लिया, तो राइट साइड से रिलेशनल ऑपरेटर लिया। पहला पॉइंट, इन्हां दी वरतों दो जां दो तों वध रिलेशनल एक्सप्रैशन नूं इकट्ठा करने लई कीती जांदी है। मतलब कि जिहड़े लॉजिकल ऑपरेटर है दो जां दो तों वध जिहड़े रिलेशनल एक्सप्रैशन है उन्हां नूं इकट्ठा करदे ने, ते रिलेशनल एक्सप्रैशन वह होंदे ने जिन्हां विच
रिलेशनल ऑपरेटर वरते जाते हैं। इधर राइट साइड से रिलेशनल ऑपरेटर की वरतों दो ऑपरेंट्स की तुलना करने लिए की जाती है, मतलब कि जेकर असी दो वेरीएबल्स या कॉन्सटेंट नू आपस कंपेयर करना है तो उसके लिए असी रिलेशनल ऑपरेटर वरतते हैं। नंबर दो, लॉजिकल ऑपरेटर तीन किस्म के होंगे हैं, एंड और ते नोट। एंड के लिए दो बारी एंड सिंबल आंदा है, और के लिए पाइप सिंबल आंदा दो बार, ते नोट के लिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आंदा है। राइट साइड से रिलेशनल ऑपरेटर छे किस्म के होंगे हैं, लैस दैन जिन्हों बोलते हैं घट है, ग्रेटर दैन जिसन बोलते हैं वाध है, लैस दैन इक्वल टू जिसका अर्थ है घट या बराबर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू वाध या बराबर है, तो डबल इक्वल टू बराबर है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू बराबर नहीं है। मतलब सी भाषा के जो असं डबल इक्वल टू यूज करते हैं इसका मतलब होता है कंपेरिजन, तो जो सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं उसका मतलब होता है असाइनमेंट, कि डबल इक्वल टू लगावे वो वैल्यू की तुलना करेगा, सिंगल वैल्यू सिंगल इक्वल टू लगावे तो राइट वाली वैल्यू लैफ्ट वाले वेरीएबल च ट्रांसफर करेगा। अगर तुम्हें एग्जाम्पल ला समझावगा फिर तुम्हें चंगी तरह क्लीयर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है लॉजिकल एक्सप्रैशन बनाना मुश्किल है। लॉजिकल एक्सप्रैशन च दो या दो तो बाद रिलेशनल एक्सप्रैशन वरते जाते हैं, इसलिए इन बनाना मुश्किल है। राइट साइड से रिलेशनल एक्सप्रैशन बनाना आसान है एज कंपेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर। नंबर चार, इन्हों की वरतों गुंझलदार काम करने लिए की जाती है, कि जेकर कोई कॉम्पलैक्स काम है वो लॉजिकल ऑपरेटर वरते जाते हैं, तो राइट साइड से इन्हों की वरतों आसान काम करने लिए की जाती है, जेकर कोई आसान ऑपरेशन है वो की जाती है। यह आंसर इन्ना है जिन्होंने पेपर च करके आना है। अगे हूँ तुम्हें समझावगा कि यह ऑपरेटर जेडे कि काम करते हैं, जे पेपर लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इन्ना आंसर तुहाडे लई सफिशियंट है। सब तो पहले असं रिलेशनल ऑपरेटर उदाहरण के नाल समझते हाँ। जिदा इतने मैं ए की वैल्यू 10 ली है तो बी की वैल्यू 8 ली है, इतने लास्ट मैं सैमीकोलन नहीं लिया, तुम लगा सकते हो। इधर लैफ्ट साइड से मैं रिलेशनल एक्सप्रैशन लिए ने, तो राइट साइड से उन्होंने रिजल्ट लिया है। जे असं पहले एक्सप्रैशन की गल करिए, इतने लिखा है ए ग्रेटर दैन बी, यह कह रहे हैं कि ए बी तो वड्डा है, क्योंकि ए दी वैल्यू 10 है बी दी 8 है, इस करके आंसर कितना आया 1, कि ट्रू है, तो ट्रू रिजल्ट आता है 1 नाल। दूजे एक्सप्रैशन में लै ए लैस दैन बी, कि ए बी तो छोटा है, तो आंसर आया 0। यह छोटा क्यों है, क्योंकि 10 8 तो छोटा नहीं होंगे। थर्ड है ए ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, यह मतलब है कि ए जां ते बी तो वड्डा है जां बी दे बराबर है, यह दो कंडीशन चेक करता है। इतने ए बी तो वड्डा है लेकिन बराबर नहीं है, इस करके आंसर कितना आएगा 1। जे ए ते बी बराबर होंगे तो भी कितना आना सी 1। हुण इत्थे है कि ए लैस दैन इक्वल टू बी, कि ए बी तो छोटा जां बराबर है, इतने 0 आया, क्योंकि ए ना ही बी दे बराबर है ना ही बी तो छोटा है। इतने नैक्सट है ए इक्वल टू बी, इन बोलते हैं कंपेरिजन इक्वल टू, हूँ कह रहे कि ए तो बी बराबर है जबकि ए तो बी बराबर नहीं है, इस करके आंसर कितना आया 0। नैक्सट है ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए तो बी बराबर नहीं है, ए तो बी बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू 8 है, इस करके आंसर कितना है 1। तो लास्ट है ए इक्वल टू 10, इतने मैं लिखा कि ए 10 के बराबर है, कंपेयर कर रहे हैं तो आंसर कितना है 1। हूँ सिंगल इक्वल टू की करता है, जिदा ए की वैल्यू 10 है, यदा मतलब है कि 10 की वैल्यू जी है वह कितने जा रही है ए दे विच, ते 8 किस जा रहे हैं बी दे विच, ए होगी असाइनमेंट। तो जब आप जो डबल इक्वल टू लगाने तो इसका मतलब है कि यह वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। हुण असीं गल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, इन्हां नूं एग्जाम्पल नाल समझते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जिहड़ा है वह डबल एंड नाल प्रभाषित हुंदा है। इत्थे मैं टेबल लिया है, इहदे च ए ते बी दो वेरीएबल ले ने, सब तो पहले 0 0, फिर 1 1, फिर 0 1 0 1। इत्थे आके जे आपां राइट साइड चैक करिए, मैं लिखा ए एंड बी, कि दोनों का एंड कढ़ना है, तो इहदा मतलब हुंदा मल्टीप्लाई करना। जे असीं 0 × 0 करांगे तो आंसर कितना आया 0, 0 × 1 करांगे आंसर कितना आया 0, 1 × 0 करेंगे आंसर कितना आया 0, तो 1 × 1 करेंगे तो 1। मतलब कि जो एंड ऑपरेटर है ये दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए है, जे एक कंडीशन भी फालस हो जाए तो आंसर जो है वह गलत हो जाएगा। जिस तरह इतने मैं ए की वैल्यू 10 बी की 3 तो सी की 8 ली है, इसे लिखे ए ग्रेटर दैन बी एंड ए ग्रेटर दैन सी, ए की वैल्यू 10 है तो बी की 3 है सी की 8 है, यह मतलब है कि 10 जोड़ा है वह 3 तो भी वड्डा है, 10 8 तो भी वड्डा है, मतलब कि दोनों कंडीशन की हो गई 1 1, तो आंसर कितना आया था 1, यह आंसर आएगा ट्रू। एक और एग्जाम्पल लेंगे हाँ, इतने लिया ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, मीनस कि ए बी तो वड्डा तो बी सी तो वड्डा, जबकि यह गलत है, ए तो बी तो वड्डा है लेकिन बी सी तो वड्डा नहीं है, इस करके आंसर कितना आया 0, क्योंकि जितने 1 0 होएगा तो आंसर कितना आएगा 0। नैक्सट है लॉजिकल ओर, जिहड़ा ओर ऑपरेटर है इसनों प्लस भी कहा जाता है, कि यह प्लस वाला काम करता है। जिदा इतने ए तो बी उस तरह ए दे विच 2 0 2 1, बी दे विच 0 1
जीरो वन ले है। हुण ए पाइप सिंबल च यूज होंदा है, ए एंटर की दे उपर होंदा है, ए और बी एदे विच जदों दोनों जीरो होणगे तां जीरो आएगा, नहीं तां वन आएगा। मतलब जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, ते वन प्लस वन वन। ते लॉजिकल एंड विच की होंदा है, एक ट्रू होंदा तीन फाल्स होंदे है, ते और दे विच तीन ट्रू होंदे है ते एक फॉल्स होंदा है। फॉर एग्जाम्पल जिदा मैं ए दस लिया, बी तीन, सी अठ, फिर लिया इतने लिखा ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, कि ए बी तो वड्डा है ते ए सी तो वड्डा है, दोनों वन हो गए, आंसर कितना आ गया वन। फिर दोबारा चेक कर दें, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, एदे विच ए बी तो वड्डा है ट्रू है, लेकिन बी सी तो वड्डा नहीं है फालस है, ते की बन गया वन जीरो। तो वन जीरो केस कितना आंदा है, जबकि एंड दे केस च जे एक कंडीशन ट्रू ते एक फालस होवे जीरो आंदा है, बट और दे विच एक कंडीशन सही होनी जरूरी होंदी है। थर्ड है लॉजिकल नोट ऑपरेटर, एदे लई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दी वरतों होंदी है। तो नोट ऑपरेटर विच की होंदा है कि जेकर आंसर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा। जिदे इत्थे मैं ए वेरिएबल लिया, ए च दो ले जीरो तो वन, मतलब कि जेकर कंडीशन फॉल्स है तो आंसर की आएगा ट्रू, तो जेकर ट्रू है तो आंसर की आएगा फॉल्स, मतलब की है उल्टा कर देगा कि सही नू गलत ते गलत नू सही। इस नू एग्जाम्पल नाल समझते हैं, एदे विच मैं ए दी वैल्यू दस लई है, बी दी तीन लई है, सी दी अठ लई है। इत्थे असी ब्रैकेट देखते हैं, पहले सब तो पहले ए ग्रेटर दैन बी एंड ए ग्रेटर दैन सी, मतलब दस तीन तो वड्डा है ते दस अठ तो भी वड्डा है, आंसर की आया ट्रू, बट बार की लगा एक्सक्लेमेशन नोट लगा, तो एने इस नू की कर देना फॉल्स, तो आंसर की आएगा सीरो। एक होर एग्जाम्पल देखते हैं, इतने मैं लिया ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, कि ए बी तो वड्डा है, मतलब दस तीन तो वड्डा है, तो तीन अठ तो वड्डा नहीं है, मतलब यार आंसर की आएगा फॉल्स, बट बार की लगा नोट, तो इन्हें फॉल्स नू की कर देना ट्रू, तो यह थोड़ा की होया नोट ऑपरेटर, तो नोट ऑपरेटर की करता है ट्रू नू फॉल्स, तो फॉल्स नू ट्रू। प्रश्न नंबर तीन है यूनरी ऑपरेटर की है। यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड ते काम करता है, मीनस कि जड़ा ऑपरेटर एक सिंगल वेरीएबल ते काम करे या ऑपरेंड ते काम करे उसनू बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो तुहानू दसना चाहवांगा कि जेकर कोई ऑपरेटर दो वेरीएबल्स ते काम करे या दो ऑपरेंड्स ते काम करे उसनू बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है, और जेकर वो तीन वेरीएबल्स ते काम करे तो उसनू टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। यूनरी ऑपरेटर चार किस्म के होंगे, नंबर एक इंक्रीमेंट, ए ऑपरेटर ऑपरेंड की कीमत विच एक अंक का वाधा करता है, इस दे लई प्लस प्लस चिन्ह की वरतों होंगी है, मीनस कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की करेगा कि जिहड़ा तुसी वेरीएबल लिया उहदे विच एक वैल्यू इनक्रीज करेगा, मीनस कि फॉर एग्जाम्पल जिदा तुसी कोई वेरीएबल लिया ए, उसकी वैल्यू दस हैगी है, जेकर असी उहदे विच इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हाँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ग्यारह। नंबर दो है डिक्रीमेंट, ए ऑपरेटर ऑपरेंड की कीमत विच एक अंक का घाटा करता है, मतलब कि है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के उल्ट काम करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू इनक्रीज करता है, बट जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है एक वैल्यू डिक्रीज करता है, इस दे लई माइनस माइनस चिन्ह की वरतों होंगी है। फॉर एग्जाम्पल जिदा असी कोई वेरीएबल लिया बी, उसकी वैल्यू है ट्वेंटी, असी उहदे नाल डिक्रीमेंट ऑपरेटर वरतते हाँ, तो जो असी इस ऑपरेटर नू यूज करांगे तो यह की करेगा उसकी वैल्यू च एक वैल्यू माइनस कर देगा, तो वह आंसर कितना रह जाएगा उन्नी। नंबर तीन साइज ऑफ ऑपरेटर, ए ऑपरेटर ऑपरेंड का आकार दसता है, इस दे लई साइज ऑफ ऑपरेटर की वरतों होंगी है। इतने आकार का मतलब है कि जिहड़ा तुसीं वेरीएबल लिया उसका आकार उसके डाटा टाइप पर डिपेंड करता है, मीनस कि जेकर तुहाडा वेरीएबल इंटीजर टाइप का है तो उसका साइज कितना आएगा टू, मतलब दो आएगा, जेकर फ्लोट टाइप का है तो उसका आकार आएगा चार, जेकर करैक्टर टाइप का है तो उसका आंसर आएगा वन, मीनस कि वेरीएबल का साइज उसके डाटा टाइप पर डिपेंड करता है। जो तुम मैं डाटा टाइप वाला टॉपिक करवाया सी दस्या सी कि इंटीजर दो बाइट लंदा है, फ्लोट चार बाइट ते करैक्टर एक बाइट। चौथा है टाइप, इसनों टाइपकास्टिंग भी कहा जाता है, यह ऑपरेटर एक डाटा टाइप को दूजे डाटा टाइप में बदलता है, मीनस कि जेकर तुसी इंटीजर नू फ्लोट विच या फ्लोट डाटा टाइप नू इंटीजर विच बदलना है तो उहदे लई तुसी टाइप ऑपरेटर की वरतों करते हो या टाइपकास्टिंग की वरतों करते हो। नंबर चार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एक एक उदाहरण दवो, तुहानू हुणे करवाया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिहड़े ने किस किस्म के ऑपरेटर ने, यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर वह होंगे ने जिहड़े एक सिंगल वेरीएबल से काम करते हैं। हुण सब तो पहले असीं गल करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की,
ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਰੈਂਡ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹਦਾ ਏ ਲਿਆ 10 ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਏ, ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 11। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੋਸਟਫਿਕਸ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਰੈਂਡ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਏ ਬਰਾਬਰ 10, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਏ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ 11। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹਦਾ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਫਿਕਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਪਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਰੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਏ ਬਰਾਬਰ 10 ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਏ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 9। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਜਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲਏ ਨੇ ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਜਮਾ ਬੀ, ਯਾਰ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਏ ਜਮਾ ਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 15। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਆਪਰੈਂਡਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1। ਜਿਹੜਾ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ 1 ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਦੀ 5 ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੰਟ ਏ ਲਿਆ 10 ਬੀ 5 ਤੇ ਸੀ 8, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਬੀ ਐਂਡ ਏ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਯੈਸ 10 8 10 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ 10 8 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਏਬਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ?
एक इक्वल टू, एक प्लस इक्वल टू, एक माइनस इक्वल टू, एक स्टार इक्वल टू, एक डिवाइड इक्वल टू, एक मॉडुलस इक्वल टू। पेपर में तुसी इन आंसर लिख सकते हो। जेकर तुहानू लॉन्ग क्वेश्चन आंदा है एनू विद एग्जाम्पल करन लई उदाहरण नाल पुछिया जांदा है ते उहदे लई तुसी फिर उदाहरण भी दे सकते हो। उदाहरण कुछ इस तरह है, इहदे विच मैं सारे ऑपरेटर लए है। सब तो पहले असीं बराबर चिन्ह की गल करते हाँ। इसका अर्थ की है, यह सज्जे हथ वाले वैरीएबल की कीमत को खब्बे हथ वाले वैरीएबल में स्टोर करता है, जिदा ए की वैल्यू 10 है। इहदा मतलब है कि 10 कि आ गया ए च। हुण इत्थे आ गया प्लस इक्वल टू। हुण प्लस इक्वल टू जिहड़ा है इहदा मतलब है कि जिहड़ी राइट वाली वैल्यू लैफ्ट वाले वैरीएबल च प्लस होवेगी। मतलब यह सज्जे हथ वाले वैरीएबल की कीमत को खब्बे हथ वाले वैरीएबल में जोड़ता है अते नतीजे नूं खब्बे हथ वाले वैरीएबल में स्टोर करता है। मतलब यार तुहानूं वख वैरीएबल लैण दी लोड़ नहीं, कि जेकर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो ऑटोमैटिकली उस वैरीएबल च ऐड हो जाएगी जिहदे विच असीं मैनिपुलेशन कर रहे हाँ। जिदा इत्थे मैं ए दी वैल्यू 10 लई है, इत्थे लिखिआ ए प्लस इक्वल टू 5। इहदा मतलब है कि ए दी वैल्यू किन्नी है 10, ते 10 च किन्ने जुड़ जाणगे 5, ते ए दा आंसर किन्ना आ जाएगा 15। फिर है माइनस इक्वल टू, यह की करेगा यह सज्जे हथ वाले वैरीएबल की कीमत को खब्बे हथ वाले वैरीएबल में घटाउंदा है अते नतीजे नूं वैरीएबल में स्टोर करता है। किहड़े वैरीएबल च, जिहड़ा वैरीएबल आपां खब्बे हथ लिखदे हां। इत्थे मैं बी 15 लिया, तो बी माइनस इक्वल टू 5 किया, इहदा मतलब है कि बी दे विचों 5 माइनस हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू 15 है, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया 10। फोर्थ, स्टार इक्वल टू मतलब मल्टीप्लाई, यह सज्जे हथ वाले वैरीएबल की कीमत को खब्बे हथ वाले वैरीएबल नाल गुणा करता है अते नतीजे नूं खब्बे हथ वाले वैरीएबल विच स्टोर करता है। जिदा सी लिया मैं 5, इसलिए सी इंटू इक्वल टू 4, इहदा मतलब है कि सी की वैल्यू 5 है, तो 5 गुणा 4 कितना हो गया 20। नैक्सट, डिवाइड इक्वल टू, यह सज्जे हथ वाले वैरीएबल की कीमत को खब्बे हथ वाले वैरीएबल नाल भाग करता है अते नतीजे नूं खब्बे हथ वाले या खब्बे वैरीएबल च स्टोर करता है। जिदा डी लिया 20, तो डी डिवाइड इज इक्वल टू 5, इहदा मतलब है कि 20 नूं 5 नाल भाग करके आंसर करना आया 4, इहदा आंसर आ जाएगा। उस तो बाद लास्ट है मॉडुलस इक्वल टू, यह सज्जे हथ वाले वैरीएबल की कीमत को खब्बे हथ वाले वैरीएबल नाल भाग करके रिमाइंडर कढ़ता है अते नतीजे नूं खब्बे वाले वैरीएबल विच स्टोर करता है। जिदा ई लिया मैं 10, तो ई मॉडुलस इक्वल टू 3, जो 10 नूं 3 नाल भाग करांगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इहनां नूं शोर्ट हैंड ऑपरेटर इसलिए किया जाता है क्योंकि इहदे च इक्को वैरीएबल दे अंदर असीं मैनुपुलेशन करते पए हाँ, तो उहदे विच ही जिहड़ा रिजल्ट है उसनूं स्टोर करते पए हाँ। सतवां क्वेश्चन है, ओपरेंड की है? ओपरेंड एक वैरीएबल है जिस उपर ऑपरेशन किए जाते हैं। मीनस की ओपरेंड की है, एक वैरीएबल है जिदा असीं अपनी मर्जी नाल कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जैड लै सकते हाँ, जिन्हां उपर ऑपरेशन किए जाते हैं। ओपरेंड वैरीएबल जां कॉन्सटेंट हो सकता है, मतलब कि ओपरेंड जिहड़ी वैल्यू है वह वेरी भी कर सकती है तो सेम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जिदा उदाहरण वजो मैं ए की वैल्यू 10 लई है, बी की 5 लई, एक सी वैरीएबल लिया, तीनों इंटीजर टाइप के ने। इत्थे मैं लिखा सी बराबर ए जमा बी, एहदे विच ओपरेंड किहड़े किहड़े ने, ए बी ते सी ए तीनों की ने ओपरेंड, ते फिर बराबर ते प्लस ए की ने ऑपरेटर, ते ओपरेंड दे उपर जिहड़े ऑपरेशन ने ओह कौन करदे ने, ओह ऑपरेशन करदे ने ऑपरेटरस। जिहदा प्लस है, प्लस मतलब प्लस ऑपरेटर दोनों नूं ऐड कर रहा है, ते इक्वल टू ऑपरेटर की कर रहा है कि जिहड़ा राइट साइड दा रिजल्ट आया उहनूं लैफ्ट वाले वैरीएबल च स्टोर कर रहा है। एह सन इस पार्ट दे प्रश्न उत्तर। हुण तुहानूं मैं इस पार्ट दे कुछ प्रोग्राम करावांगा जिहड़े तुहानूं प्रैक्टिकल विच फायदेमंद रहणगे, ते जिहड़े टॉपिक थ्योरी च पढ़े ने ओह तुहानूं प्रैक्टिकल दे नाल ज़्यादा होर आसानी नाल समझ आ जाएंगे। सब तो पहला असी रिलेशनल ओपरेटर्स की गल करते हाँ कि रिलेशनल ओपरेटर्स नूं वरत के प्रोग्राम किदां बनाया जा सकता है। तुहानूं दस्सिया है कि सब तो पहली लाइन होंदी है उहनूं बोलते हैं कमेंट लाइन, जिथे लिखा यूज ऑफ रिलेशनल ओपरेटर्स, इहनूं लिखिया स्लैश स्टार ते स्टार स्लैश दे विच, इह कमेंट लाइन हैगी है। इस तो बाद दो हैडर फाइलां स्टीडियो डॉट एच ते कोनी डॉट एच, दैन वर्ड मेन मेन फंक्शन की शुरुआत। स्टार्टिंग कर ली बस यूज़ की इंट ए बी, दो मैं वैरीएबल लिया ए ते बी, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया, उस तो बाद ए दी वैल्यू 10 ली है ते बी दी 3 ली है। प्रिंट टैफ च सब तो पहले मैं लगाया ए ग्रेटर दैन बी, स्लैश एन लगाया ताकि न्यू लाइन ते तुहाडा आउटपुट जिहड़ा है जां कर्सर आ जाए, जेकर तुसीं स्लैश एन नहीं लगाओगे तो सारी आउटपुट एक ही लाइन च आ जाएगी। तो पहले प्रिंट टैफ से लिखा ए ग्रेटर दैन बी इक्वल टू परसेंटेज डी, परसेंटेज डी क्यों लगाया, क्योंकि इंटीजर की कंट्रोल स्ट्रीम परसेंटेज डी होंदी है, तो ए ग्रेटर दैन बी लिया, तो जो ए ग्रेटर दैन बी लिया असी तो ये की होएगा चेक करेगा कि ए बी तो व्डा 10 3 तो
ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1, ਮਤਲਬ ਟਰੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ a ਲੈਸ ਦੈਨ b, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ a b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, a b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0। a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਕਿ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ a b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ 1। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ a ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਮਤਲਬ a b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 0। a ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ a ਤੇ b ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ, a ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ a ਤੇ b ਬਰਾਬਰ ਨੇ, a ਤੇ b ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਲਾਸਟ ਗੈਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਬੰਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਓਲਡ F9 ਨਾਲ, ਤੇ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1। 1 ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ। a ਲੈਸ ਦੈਨ b, ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ, ਕਿ a b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਕਿ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਹੈ a ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਕਿ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ b ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 10 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ a ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਕਿ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਹੈ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ a ਤੇ b ਬਰਾਬਰ ਨੇ, a ਤੇ b ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਾਂ stdio.h ਤੇ coin.h, ਇਹ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ void main ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੰਟ ਏ ਬੀ ਸੀ, 3 ਮੈਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲਏ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10, ਬੀ ਦੀ 5 ਤੇ ਸੀ ਦੀ 8। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਨੋਟ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਓਲਡ F9 ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ F9 ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਤਾ ਨੋਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਨੋਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਐਂਡ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ c, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਹੈ ਤੇ b ਦੀ 5 ਹੈ ਤੇ c ਦੀ 8 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 5 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ 10 8 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਟਰੂ 1 ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸ 0 ਨਾਲ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਐਂਡ b ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ c, ਕਿ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ b c ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਆ 0, ਕਿਉਂਕਿ a b ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ b c ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ 10 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 10 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b ਔਰ b ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ c, ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਔਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ a ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ b, ਕਿ 10 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਟ 5 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1, ਮੀਨਸ ਟਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯੂਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਪਰੇਟਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, stdio.h coin.h ਸਾਡੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, void main ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟ a 10, ਐਚ ਮੈਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਸਕਿਨ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ 4 ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਫ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੈਟ ਸੀ ਐਚ ਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਓਲਡ F9 ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਨਾਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 10। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ a++, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਫਿਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਪੋਸਟਫਿਕਸ, ਤੇ ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਫਿਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੈਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
जो ए प्लस प्लस लवेंगे तो ए वैल्यू कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, 11 नहीं होगी। वह कदों होगी जो नैक्सट स्टेप पर जावे। हूँ तीजा प्रिंट एफ है ए, हूँ जो असं ए शो करा तो आंसर आएगा 11। हूँ 11 क्यों आया, क्योंकि उन्हें ए प्लस प्लस च इंक्रीमेंट करती सी बट शो करता नैक्सट स्टेप च। आगे है प्लस प्लस ए, मतलब प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स बारे तुम दस्या सी कि प्रीफिक्स के अंदर जी वैल्यू है वह सेम स्टेप इंक्रीमेंट हो जाती है। इतने आंसर कितना आएगा 12। फिर तुम्हें क्लीयर कर दिना कि पोस्ट फिक्स में सेम स्टेप वैल्यू वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो प्रीफिक्स सेम स्टेप वैल्यू बढ़ेगी। तो जेकर तुम इस बारे कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करन च या समझन च, तुसी कमेंट सैक्शन में पूछ सकते हो। नैक्सट असं हम गल करते हैं यूनरी डिक्रीमेंट ओपरेटर की। तो डिक्रीमेंट ओपरेटर एक वैल्यू घटाता है। स्टार्टिंग कमेंट लाइन स्टीडियो डॉट एच कोनी डॉट एच साढ़े हैडर फाइल ने वॉइड मेन फंक्शन शुरू किया। इतने भी ए 10 लिया, क्ले स्किन लगाया, तो इतने भी मैं 4 प्रिंट एफ लिया, गैट सी करली ब्रेसिस बंद। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, सब तो पहले ए लिया तो ए की वैल्यू 10 ही रहेगी। हाँ जी, हूँ ए माइनस माइनस कितना आएगा। हाँ जी, ए माइनस माइनस जोड़ा है यह 10 ही रहेगा। वह क्यों, क्योंकि यह पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन अपनी वैल्यू नैक्सट स्टैप बढ़ाता है। उस तो बाद ए है, ए की वैल्यू हूँ कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 9। 9 क्यों आएगी, क्योंकि पोस्ट फिक्स एक्सप्रैशन ने नैक्सट स्टैप वैल्यू अपडेट करनी है। नैक्सट है माइनस माइनस ए, हूँ एक वैल्यू होर घटाएगा, आंसर कितना आएगा 8। क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स एक्सप्रैशन अपनी वैल्यू नू सेम स्टेप विच अपडेट करता है, तो जिहड़ा पोस्ट फिक्स है वह नैक्सट स्टेप। नैक्सट है साइज ऑफ ओपरेटर, मीनस कि साइज ऑफ ओपरेटर कितना काम करता है। एक कमेंट लाइन है स्टीडियो डॉट एच कोनी डॉट एच हेडर फाइल्स ने वॉइड मेन मेन फंक्शन है करली ब्रेसिस शुरू की क्लियर स्क्रीन एज मैं 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स लिया ने। इस प्रोग्राम नू असी आल्ट F9 कंपाइल करांगे ते कंट्रोल F9 रन करांगे। सब तो पहले असी गल करते हैं साइज ऑफ इंटीजर की। तो साइज ऑफ इंट लिखिया सी मेन यह चीज़ काम करती है, यह तो जस्ट मैसेज है, तो आंसर कितना आया 2। मीनस कि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लैंदा, इस करके आंसर आया 2। जेकर तुसीं उपर कोई इंटीजर टाइप का वैरीएबल डिक्लेयर करोगे तो ब्रैकेट च वैरीएबल का नाम दवोगे तो भी आंसर कितना आएगा 2। इसी तरह सैकेंड में प्रिंट एफ लई है साइज ऑफ फ्लोट। फ्लोट विच साइज ऑफ फ्लोट, इतने तो क्या सोचना है कि फ्लोट से तो परसेंटेज एफ आंदा है, लेकिन परसेंटेज डी क्यों आया, तो दसना चाहवागा कि जोड़ा आंसर हैगा साइज ओपरेटर का वह हमेशा इंटीजर में ही आंदा, इस करके परसेंटेज डी लिया है। तो फ्लोट किन्ने बाइट लैंदा है 4 बाइट, इस करके साइज ऑफ फ्लोट कितना आएगा 4। नैक्सट है साइज ऑफ करैक्टर, कि जो करैक्टर डाटा टाइप है वह कितनी स्पेस लैंदा है। साइज ऑफ कैर, करैक्टर 1 बाइट लैंदा है, इस करके साइज ऑफ करैक्टर कितना आएगा 1। साइज ऑफ इंट लिया ही तो 2 आया, साइज ऑफ फ्लोट लिया तो 4 आया, साइज ऑफ कैर लिया तो 1, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लैंदा है, फ्लोट 4 बाइट, तो करैक्टर 1 बाइट। नैक्सट यूनरी ओपरेटर आपां कीता सी टाइप कास्टिंग, जिन्हों बोलते टाइप ओपरेटर। तो टाइप ओपरेटर की करता है, एक डाटा टाइप नू दूसरे डाटा टाइप च कन्वर्ट करता है। मैं प्रोग्राम बनाया डिवीजन ऑफ 2 नंबर यूजिंग टाइप कास्टिंग। 2 हैडर फाइलां स्टीडियो डॉट एच कोनी डॉट एच लई हैं, वॉइड मेन फंक्शन लिया है, इंट ए बी 2 वेरीएबल ले ने, दोनों किस टाइप के इंटीजर टाइप के। उस तो बाद एक सी वेरीएबल लिया जो फ्लोट टाइप का। क्ले स्क्रीन, इतने मैं ए नू वैल्यू दस दे, बी नू 3 दे, वैल्यू उपर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। इतने लिखा सी इज इक्वल टू फ्लोट ए अपॉन बी। हूँ ए ते बी किस टाइप के ने, इंटीजर टाइप के। यह ब्रैकेट च जो फ्लोट लिया ए अपॉन बी, इनू बोलते हैं टाइप कास्टिंग या टाइप ओपरेटर बोलते हैं। इसने की करना, ए ते बी दोनों नू किस च कन्वर्ट कर देना, फ्लोट च। उपर डिक्लेयर असीं कीता इंट, मतलब कि इन केस सानू कदे जरूरत पै जाए कि डाटा टाइप नू दूजे डाटा टाइप से कन्वर्ट करना है, तो असी ब्रैकेट लगा के उसनू कन्वर्ट कर सकते हाँ। तो सी इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, तो असी सी दे विच की आएगा दोनों का डिवीजन। प्रोग्राम नू ऑल्ट F9 ते कंट्रोल F9 नाल कंपाइल करते हाँ, तो जदों हुण सी दे विच रिजल्ट आएगा वह आएगा 3.333 अप टू 6 टाइम्स, क्योंकि सी दे विच जदों असी फ्लोट डाटा टाइप लैंदे हाँ तो उहदे विच डेसीमल तो बाद अपने आप ही 6 डिजिट जुड़ जाते हैं। जेकर असी इत्थे फ्लोट नहीं लैंदे, सिर्फ ए अपॉन बी लिखते हैं, तो फिर आंसर आएगा 3.000 अप टू 6 टाइम्स। तो 3.333 अप टू 6 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि इतने मैं कास्टिंग की है। जेकर तुहाडी कोई क्वेरी क्वेश्चन जां सुजेशन है तो कमेंट सैक्शन में जरूर दसना। जेकर तुसी अजे तक मेरे इस यूट्यूब चैनल नू लाइक सबसक्राइब नहीं किया है तो
कृपा करके इसनों लाइक अते सब्सक्राइब जरूर करो अते बैल आइकन नू प्रेस करना ना भूलो ताजो तुहानू मेरी नवी वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।